أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر اجلاس और सामीन किराम, जैसा कि आप समाअत फरमा चुके हैं, मेरी तकरीर का उन्वान है हस्ती बारी ताला अम्बिया की ताईद और नुसरत की रोशनी में। सामीन किराम, अल्लाह ताला की कदीम से यह सुन्नत चली आ रही है कि वह अपनी हस्ती के सबूत के लिए खुद अनल मौजूद कहकर अपनी ज़ात को आश्कार करता है और इसके लिए वह अपने ख़ास बंदों को चुन लेता है जिनके ज़रिए से वह दुनिया की रूहानी हिदायत के सामान बहम पहुँचाता है। दुनिया के फ़लसफ़ी और साइंसदान हस्ती बारी ताला के ताल्लुक से बड़े गौर व फ़िक्र के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई होना चाहिए, लेकिन खुदा ताला के अंबिया और ऋषि मुनि अवतार या पैगम्बर अपनी वही और इल्हाम की रोशनी में दुनिया को ये पुख्ता सबूत देते हैं कि खुदा मौजूद है, उसका ज़िंदा ताल्लुक हमसे है, वो हमसे हम कलाम होकर अपना वजूद हम पर ज़ाहिर करता है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकते रुसुलं व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउन बसीर, सूरतुल हज आयत 76, कि अल्लाह ताला फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी अपने रसूल या पैगम्बर चुन लिया करता है। इसी तरह फरमाया, वलकद बासना फ़ी कुल उम्मति रसूलन अनेबुदुल्लाह वज्तनेबुत्तागूत अन्नहल आयत 37, कि हमने हर कौम और हर उम्मत में रसूल या पैगंबर इस गर्ज़ के लिए भेजे हैं कि वो अल्लाह की इबादत करें और शैतान से बचें। अम्र वाकया ये है कि अल्लाह ताला ने फितरत इंसानी में ही अपनी हस्ती का नक्श रख छोड़ा है, वरना ये कहना कि फितरत में आदमी की है मुबहम सा एक खौफ, उस खौफ को किसी ने खुदा नाम दे दिया, ये हकायक को नज़रअंदाज करके तमस्कुर करने वाली बात है। बस हर मुल्क और हर कौम में हज़ारों नहीं लाखों अंबिया और रसूल आए हैं, बल्कि एक हदीस के मुताबिक 1,24,000 अंबिया दुनिया में आ चुके हैं जिन्होंने खुदा ताला की हस्ती का सबूत दिया। जिससे एक बात बिल्कुल वाज़ह कि एक दो आदमियों को तो गलती लग सकती है, लेकिन हर ज़माने में और हर मुल्क में जो हज़ारों रसूल आए और मुख्तलिफ ज़मानों में आए, उन सब का झूठ पर इत्तेफ़ाक़ कर लेना अक़ल से बईद बात है। और ये भी एक हकीकत है कि ऐसे अंबिया और मामूरीन खुदा ताला के प्यारों में से होते हैं और उनकी सदाकत और सच्चाई साबित नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला उनसे वो सलूक ना फरमाए जो उसके प्यारों और महबूबों से हुआ करता है। क्योंकि अगर कोई शख्स खुदा ताला का मामूर और मुरसल होने का दावा करता है और उसके साथ खुदा ताला का सलूक उसके महबूब और प्यारों जैसा नहीं होता, तो वो झूठा है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि एक शख्स को खुदा ताला अपना नायब बनाकर भेजे, फिर उसके साथ अपनी मोहब्बत का कोई नमूना ना दिखाए, ना उसकी मदद करे। दुनिया के बादशाह भी जब किसी को अपना नायब या नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं तो उसकी पूरी मदद करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और जब भी ज़रूरत हो उसकी ताईद व नुसरत करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला जिसके ख़जाने वसी हैं, जो आलिमुल गैब है, वो क्यों अपने मामूरीन और मुरसलीन की मदद ना करेगा, बल्कि ज़रूर करेगा। बस अगर कोई शख्स दावे मामूरियत करे और खुदा ताला की तरफ से उसकी ताईद व नुसरत हो, तो वो शख्स यकीनन सच्चा और रास्तबाज है। और यही असल खुदा ताला की हस्ती का भी बहुत बड़ा सबूत हुआ करता है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, कतब अल्लाह लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़वीयुन अज़ीज़, अल-मुजादिला आयत 22। यानी अल्लाह ताला ने यह मुकर्रर कर दिया है कि मैं और मेरे रसूल हमेशा गालिब होंगे, वह क़ुव्वत वाला और गालिब है। इसी तरह फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीन आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद, अल-मोमिन आयत 52, कि हम ज़रूर अपने रसूलों की और उन लोगों की जो हमारे रसूलों पर ईमान लाते हैं इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी मदद करते हैं। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में
हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जब धर्म का नुकसान होता है और अधर्म का दौर दौरा होने लगता है, तब तब मैं नेक लोगों की हिफाजत और पापियों को हलाक करने के लिए ज़ाहिर होता हूँ। सामीन किराम, एक तरफ तो अल्लाह ताला ये ऐलान करता है कि मेरे दीन की ताईद के लिए जो लोग खड़े किए जाएंगे वो हमेशा गालिब रहेंगे, और दूसरी तरफ उसकी ये भी सुन्नत है कि बादशाहों और ताकतवर लोगों को नबी नहीं बनाता इल्ला माशाअल्लाह, बल्कि उन्हीं लोगों में से नबी बनाता है जो ज़यीफ़ और कमज़ोर होते हैं, जिनके पास ना कोई फ़ौज होती है, ना हथियार, ना दौलत, ना जत्था, उनको भेजकर उनके ज़रिए दुनिया को मफतूह कराता है और इस तरह दिखा देता है कि अगले बनना अना व रसूली बिल्कुल दुरुस्त और सही है। चुनाचे वक्त की रियायत से चंद मशहूर अंबिया के हालात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ही मुल्क भारत के महापुरुष और खुदा ताला के प्यारे हज़रत रामचंद्र जी महाराज का वाक़या पेश करता हूँ कि आप अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास में नहायत बेकसी और बेसरो सामानी के आलम में जंगलों में रिहाइश पजीर थे कि इसी दौरान लंका के राजा रावण के साथ आपकी जंग हुई। रावण के पास हर किस्म के साजो सामान और लाव लश्कर था, लेकिन हज़रत रामचंद्र जी अपने थोड़े से पैरोकारों के साथ बेसरो सामान थे। इसके बावजूद आपने अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के साथ रावण को हलाक करके उसके सोने की लंका ढा दी और गालिब और विजयी रहे। अगर खुदा ताला की ताईद और नुसरत आपके शामिल हाल ना होती तो ऐसी अजीम फतह और कामयाबी आपको हासिल ना होती। इसी की याद में हर साल दशहरा और दिवाली का त्यौहार भारत में मनाया जाता है। इसी तरह हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया की हिदायत और इस्लाह के लिए जन्म लिया तो आपका मामा कंस, जो एक ताकतवर और सरकश राजा था, आपका सख्त तरीन मुखालिफ और जान का दुश्मन बन गया। हर तरह से उसने आपको कत्ल कराना चाहा, आपकी मुखालफत में कोई कसर उठाना रखी। हज़रत कृष्ण जी उसके मुकाबले में बेसरो सामान थे, लेकिन खुदा ताला ने कंस को बावजूद उसकी ताकत के तबाह बर्बाद कर दिया और हज़रत कृष्ण जी को बावजूद कमज़ोर होने के फतहयाब फरमाया। अलावा अजी हज़रत कृष्ण जी ने जंग महाभारत में कमज़ोर पांडवों का साथ इसलिए दिया कि वो हक पर थे और कौरवों के जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग की। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत आपके शामिल हाल रही और कौरव अपनी अजीम ताकत और जत्थाबंदी के बावजूद शिकस्त खा गए। इस जंग महाभारत के दौरान श्रीमद् भगवद गीता जैसा पाकिज़ा और रूहानियत और इल्म और इरफान से लबरेज कलाम आपको अता हुआ, जो अल्लाह ताला की हस्ती का एक सबूत है। हजरात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया की ताईद और नुसरत के बड़े ईमान अफरोज वाक़यात बयान फरमाए हैं, जिनसे अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत और उसकी ज़ात पर यकीन कामिल हासिल होता है। उन्हीं में से दुनिया की तारीख का मशहूर वाक़या तूफ़ान नूह है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया की इब्तदाई तहजीब के बानी थे। आपने कदीम ज़माने में खुदा का रसूल होने का दावा किया। आपकी कौम बदियों में मुब्तला थी। हज़रत नूह ने उनको खुदा ताला की वहदानियत, शिर्क से इज्तनाब, अल्लाह ताला की इबादत बजा लाने और आपकी इताअत करने की तालीम दी कि अगर मेरी बात मानोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहमतों की बारिश बरसाएगा और अगर ऐसा ना करोगे तो तुम पर एक दर्दनाक अज़ाब आएगा। लेकिन आपकी कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कें। तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि एक किश्ती बनाएं, क्योंकि जिन लोगों ने जुल्म और तशद्दुद और बेराह रवी का तरीक़ा इख्तियार किया है वो ज़रूर हलाक किए जाएंगे। किश्ती बनाते वक्त कौम के बड़े बड़े लोग आपसे तबस्कुर करते थे। आखिर पेशगोई के मुताबिक तूफ़ान आया और ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आया कि आसमान से भी बारिश बरसी और ज़मीन के चश्मे फूट पड़े और बाज़ पहाड़ों की चोटियों तक भी पानी पहुंच गया और सारी कौम गर्क हो गई। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी जमात हैरतअंगेज़ तौर पर इस किश्ती के ज़रिए इस ज़बरदस्त तूफ़ान के शर से बचा लिए गए। इसी तरह कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का भी जिक्र है कि आद की कौम ने उनको झुठलाया, जिसके नतीजे में वो तेज़ हवा के ज़रिए हलाक किए गए, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले बचा लिए गए। हज़रत साले अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए थे, उनकी कौम ने भी उनको झुठलाया तो वो एक जलजले से हलाक किए गए, लेकिन हज़रत साले अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले बचा लिए गए और महफूज रहे।
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी आपको झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि झुठलाने वालों पर पत्थरों की बारिश हुई और वो हलाक किए गए, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को अल्लाह ताला ने इस अज़ाब से बचा लिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की भी जिन लोगों ने तकज़ीब की वो ज़लज़ले से हलाक किए गए और आपके मानने वाले बचा लिए गए। अगर कोई खुदा ना होता तो मानने वाले और झुठलाने वाले दोनों को कुदरती हादसात में यकसां तौर पर हलाक होना चाहिए था, लेकिन खुदा के रसूल को मानने वालों का हैरतअंगेज़ तौर पर बचाया जाना और सिर्फ झुठलाने वालों को का ही हलाक हो जाना अल्लाह ताला की हस्ती की भारी दलील है। अहमदिया मुस्लिम जमात के बानी सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने क्या ही खूब फरमाया है, खुदा के पाक लोगों को खुदा से नुसरत आती है, जब आती है तो फिर आलम को एक आलम दिखाती है, वो बनती है हवा और हर खसे राह को उड़ाती है, वो हो जाती है आग और हर मुखालिफ को जलाती है, कभी वो खाक होकर दुश्मनों के सर पे पड़ती है, कभी होकर वो पानी उन पे एक तूफ़ान लाती है, गरज रुकते नहीं हरगिज़ खुदा के काम बंदों से, भला खालिक के आगे खल्क की कुछ पेश जाती है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है कि आप इराक के इलाका पूर में थे और आपकी कौम बुतपरस्त थी। उस ज़माने का बादशाह नमरूद अपने आप को ही खुदा समझता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतपरस्ती तर्क करने और खुदा ताला की तौहीद का प्रचार किया तो कौम आपकी सख्त मुखालिफ हो गई और बादशाह के हुक्म से आग भड़का कर उसमें आपको जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारो कूनी बर्दाऊँ व सलामन आला इब्राहिम, अम्बिया आयत 70, के ए आग तू इब्राहिम पर ठंडी होकर सलामती का बायस बन जा। चुनाचे वो भड़कती हुई आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लब बाम अभी। इस मौके पर यह बयान खाली अस दिलचस्पी ना होगा कि बाज़ लोग तावील करके ये कह दिया करते हैं कि दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आग भड़काई गई थी वो मुखालफत या जंग की आग थी जो बुझा दी गई। चुनाचे धर्मपाल आर्या ने जब एतराज़ किया कि हज़रत इब्राहीम पर आग किस तरह ठंडी हो गई, तो इसका जवाब हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह लिखा कि आग से जंग और अदावत की आग मुराद है। जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये एतराज़ और उसका जवाब बयान किया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको सख्त नापसंद फरमाया और फरमाया, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, हम मौजूद हैं, हमें कोई आग में डालकर देख ले कि आग गुलजार हो जाती है या नहीं। एक दूसरे मौके पर इस मफहूम को आप अलैहिस्सलाम ने एक शेर में यूं बयान फरमाया, तेरे मकरों से ऐ जाहिल मेरा नुकसान नहीं हरगिज कि ये जहाँ आग में पड़कर सलामत आने वाली है। सामीने किराम, एक और मशहूर तारीखी वाकया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके शदीद मुखालिफ फिरौन का है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में कई जगह बयान हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना रसूल बनाकर फिरौन की तरफ भेजा तो उसने मुतमर्रदाना तौर पर यह कहा कि तुम किस खुदा की बात कर रहे हो, तुम्हारा सबसे बड़ा रब तो मैं ही हूँ। ये वही फिरौन था जो बड़ा ताकतवर बादशाह था, जो न सिर्फ साल हा साल से बनी इसराइल पर बड़े सख्त मजालिम ढा रहा था बल्कि खुदा का मुनकर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सख्तरीन दुश्मन था। लेकिन अंजाम क्या हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ जाने लगे तो फिरौन ने अपने लाओ लश्कर समेत उनका पीछा किया और करीब था कि वह हज़रत मूसा और उनके पैरोकारों को जा पकड़ता कि ऐन वक्त पर समंदर की मौजों ने उसको गर्क कर दिया और बनी इसराइल हज़रत मूसा के साथ बहिफाजत दूसरे किनारे पर पहुँच गए। वो फिरौन जो ये तमस्कुर किया करता था कि अगर मेरे सिवा कोई माबूद है तो ऐ हामान एक बड़ा कला तैयार कर, लाअली अत्तले इलाहे मूसा, के ताकि मैं ऊपर जाकर मूसा के खुदा पर आगाही हासिल करूं, उसे आसमान की बुलंदियों में तो खुदा नज़र नहीं आया, अलबत्ता जब वो गर्क होने लगा तब समंदर की गहराइयों में उसे खुदा नज़र आया और बेसाख्ता कह उठा, आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, यूनुस आयत 91, कि मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि उस खुदा के सिवा और कोई माबूद नहीं
जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं मुसलमान हूँ, क्या ये खुदा ताला की हस्ती का सबूत नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कमज़ोर और बेसरो सामान रसूल को खुदा ने गालिब कर दिया और फिरौन जैसे ताकतवर और सरकश बादशाह को जलील ख्वार करके गर्क कर दिया। हजरात, हमारे प्यारे आका सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी खुदा ताला की हस्ती पर एक लाजवाल यकीन पैदा करने का मूजिब है। जिन हालात में हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को फतह किया, उनको सामने रखकर कौन कह सकता है कि खुदा की मदद के सिवा आपको यूं ही गलबा हासिल हो सकता था। आपके पास ना माल था ना दौलत, इल्म आप ना पढ़े हुए थे। माल की यह हालत थी कि एक ऐसी मालदार औरत से आपने शादी की जो नेक थी, उसने अपना सब माल आपको दे दिया और आपने वो भी खुदा की राह में सर्फ कर दिया। ऐसे इंसान को खुदा ने रसूल बनाया और रसूल के लिए ये शर्त रख दी कि ला अगलिबन्ना व अना रसूली, कि रसूल ज़रूर ज़रूर गालिब होगा। अगर खुदा है तो ऐसा ही होना ज़रूरी है। अब देखो, दुनिया ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया। आपके खिलाफ़ सारे लोगों ने ज़ोर मारे, मगर क्या नतीजा निकला। उनकी तमाम कोशिशें रायगां गईं और आप नहायत शान के साथ 10,000 कुद्दूसियों समेत मक्का पहुँचे। और वही सरदार जो आप पर इतना जुल्म करते थे कि जब आप नमाज के लिए खाना काबा में जाते तो आपको डांटते, आप पर मैला डालते, उस वक्त वो सब आपके रहम करम पर थे। एक दफ़ा आप पर इतना जुल्म किया गया कि ताइफ वालों ने पत्थर मार मार कर आपका जिस्म लहूलुहान कर दिया। फिर आपके मुरीदों की यह हालत थी कि उनका बाज़ारों में चलना मुश्किल था। बस इस बेसरो सामानी में आपने खुदा ताला की तरफ से आने का दावा किया और ऐलान कर दिया कि मैं कामयाब होकर रहूँगा और दुनिया पर गलबा पाऊँगा, खुदा ताला मेरी मदद करेगा और मुझे फतह देगा। अगर कौम इस दावे को आसानी से कबूल कर लेती तो कहा जाता कि जब कौम ने कबूल कर लिया तो गलबे में किसी गैर मामूली एआनत का हाथ क्यों समझा जाए। मगर आपके साथ कौम ने मोहब्बत का सलूक नहीं किया, कबूलियत के हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ाए, इताअत की गर्दन आपके आगे नहीं झुकाई, बल्कि सारी की सारी कौम आपके खिलाफ खड़ी हो गई और मामूली मुखालफत नहीं की, बल्कि मुखालफत में कौम ने सारा ही ज़ोर खर्च कर दिया, कत्ल करने की कोशिश की, साथियों में से कई को शहीद कर दिया, हत्ता के सहाबा को मुल्क से निकलना पड़ा और आखिर में ख़ुद आपको भी मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन वही शख्स जिसे चंद साल पहले सिर्फ़ एक साथी के साथ रात के अंधेरे में अपने अजीज़ वतन को छोड़ना पड़ा था, चंद साल बाद फातिहाना हैसियत में वापस आता है और आकर उन जालिमों से जिन्होंने इंतहाई दर्जे के जुल्म उससे और उसके सब साथियों से किए थे पूछता है कि बताओ मैं तुमसे क्या सलूक करूं। जब वो शर्मिंदगी से उसके सामने गर्दन डाल देते हैं तो फरमाता है, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया। कोई ये कह सकता है कि इत्तेफाकन बाद कमज़ोर लोगों को ताकत मिल जाती है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में फतह और गलबा इत्तेफाकन नहीं कहला सकता, क्योंकि आपने अपनी कमज़ोरी की हालत में पेशगोई कर दी थी कि मुझे गलबा मिलेगा और फिर इस दावे के मुताबिक आपको गलबा मिला। और फिर आपका गालिब होकर अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना भी बताता है कि ये एक ज़बरदस्त ताकत पर आपको यकीन था और यकीन कामिल था कि मेरे गलबे को कोई शिकस्त से बदल नहीं सकता। इंसान कामल हजरत मोहम्मद मुस्तफा, नारा तकबीर। तो आपको यकीन था कि आपकी फतह को कोई शिकस्त से बदल नहीं सकता, तभी तो आपने ऐसे खतरनाक दुश्मनों को बिला शर्त माफ़ कर दिया। इस कसम के गलबे की मिसाल दुनिया में कहाँ मिलती है। इस जगह ये भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है कि फतह मक्का के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सारे अहले मक्का को बिला किसी शर्त के माफ़ फरमा दिया था, वहाँ सिर्फ जंगी मुजरमीन को कत्ल करने का हुक्म सादिर फरमाया था, बादहु उन्हें भी माफ़ फरमा दिया। उन्हीं मुजरमीन में से अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनत उतबा भी थी, जिसने इस्लाम के खिलाफ कुरैश को उकसाने और जंग भड़काने का फरीज़ा संभाल रखा था। और जंग उहद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की नाश के साथ इंसानियत से सलूक करके उनका कलेजा चबाकर वहशतनाक तौर पर अपनी इंतकाम की आग को बुझाया था।
फतेह मक्का के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बैत ली तो यह हिंद भी चादर ओढ़ कर आ गई, क्योंकि उसके जरायम की वजह से उसे भी वाजिबुल कत्ल करार दिया गया था। बैत के दौरान जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह शर्त बयान की कि कहो आइंदा हम शिर्क नहीं करेंगी, तो हिंद बे इख्तियार बोल पड़ी, या रसूलल्लाह क्या अब भी हम शिर्क कर सकती हैं कि जब हमारे सारे बुत हार गए और आपका एक खुदा जीत गया? तो आपने आवाज़ पहचान कर फरमाया, क्या ये हिंद बोल रही है? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह अब तो मैं दिल से मुसलमान हो चुकी हूँ, जो कुछ पहले गुजर चुका सो गुजर चुका, अब आप भी इससे दरगुजर फरमाएं। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रहे कि 5 मौके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहायत नाजुक पेश आए, 5 मौके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहायत नाजुक पेश आए थे, जिनमें जान का बचाना महालात में से मालूम होता था। अगर आ जनाब दर हकीकत खुदा के सच्चे रसूल ना होते तो ज़रूर हलाक किए जाते। एक तो वो मौका था जब कुफार कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और कस्बे खाई थी कि आज हम ज़रूर कत्ल करेंगे। दूसरा मौका वो था जबकि काफिर लोग उस गार पर मैं एक गुरोह कसीर के पहुंच गए थे, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हज़रत अबू बकर के छुपे हुए थे। तीसरा वो नाजुक मौका था जब उहद की लड़ाई में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे और काफिरों ने आपके गिर्द मुहासरा कर लिया था और आप पर बहुत सी तलवारें चलाईं मगर कोई कारगर न हुई, ये एक मौजज़ा था। चौथा वो मौका था जब एक यहूदिया ने आजनाब को गोश्त में जहर दे दी थी और वो जहर बहुत तेज़ और मोहलिक थी और बहुत वज़न उसका दिया गया था। पांचवा मौका नहायत ख़तरनाक मौका वो था जबकि खुसरो परवेज़ शाह फारस ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए मुसम्मम इरादा किया था और गिरफ़्तार करने के लिए अपने सिपाही रवाना किए थे। पर साफ ज़ाहिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन तमाम पुरख़तर मौक़ों से नजात पाना और उन तमाम दुश्मनों पर आखिरकार गालिब हो जाना एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त दलील इस बात पर है कि दरहकीकत आप सादिक थे और खुदा आपके साथ था। चश्मे मार्फत रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफ़ा 263-264। मौजूदा साबीन इकराम, अब मैं आखिर में सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक व फ़र्जंद जलील मौजूदा ज़माने के मामूर मुरसल रब्बानी व इमाम आखिर ज़मान हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ कि आपने इंतहाई कमज़ोरी और बेसर व सामानी के आलम में मसीह मऊद और महदी माहूद होने का दावा किया तो सुन्नत अंबिया के मुताबिक सारी दुनिया आपकी दुश्मन बन गई। उस वक्त के उलमा और गद्दी नशीन भी आपके दुश्मन बन गए, उनकी यह सियादत क्योंकि उनकी सियादत और रियासत ख़तरे में नज़र आती थी। उमरा भी आपके दुश्मन बन गए क्योंकि आप अहकाम इस्लाम की पाबंदी की तलकीन फरमाते थे जो उनकी तबाह पर गिरा था। गैर मजहब के लोग भी आपके मुखालिफ थे क्योंकि आपकी ज़ात में उन्हें वो शख्स नज़र आता था जो दलायल व बराहीन के ज़रिए इस्लाम की अजमत शान और उसकी फजीलत व गलबे के सामान कर रहा था। हुक्काम वक्त भी आपके मुखालिफ थे क्योंकि वो भी मसीह मदी के नामों से खौफजदा थे। अवामुन्नास भी आपके मुखालिफ थे क्योंकि वो ख़ुद तो इल्म नहीं रखते बल्कि मौलवियों पीरों फ़कीरों या अमीरों या पंडितों या पादरियों के तहत होते हैं और यूँ भी बवजह जहालत और रसूम और रिवाज के पाबंद होने के हर नई बात के मानने के सख्त मुखालिफ होते हैं और यही कहते हैं कि हम तो अपने आबाओ अजदाद ही की पैरवी करेंगे। अलगरज हर तबके की तरफ से आपकी शदीद मुखालफत शुरू हो गई और आपका हाल क्या था? फरमाते हैं, मैं था गरीब व बेकसो गुमनाम व बेहुनर, कोई न जानता था कि है कादियाँ किधर, लोगों की इस तरफ को ज़रा भी नज़र न थी, मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी। लेकिन जिस खुदा ने आपको मामूर बनाकर खड़ा किया था वो आपको तसल्ली दे रहा था कि मिर्ज़ा गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ, और यकीन दिला रहा था इन्नी मुहीनुन मन अरादा इहानत का, यानी जो शख्स भी तेरी ज़िल्लत और रुसवाई का इरादा करेगा मैं उसे ज़लील ख़्वार करूँगा, और फरमा रहा था आई शल गिव यू ए लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, कि मैं तुझे मुसलमानों की एक बड़ी जमात दूँगा,
और फरमाया मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। इन खुदाई वादों के मुताबिक एक एक करके लोग आपकी जमात में शामिल होने शुरू हुए, गुरबा में से भी और उमरा में से भी, उलमा में से भी और सूफिया में से भी, मुसलमानों में से भी और हिंदुओं और ईसाइयों में से भी। हाँ, वही मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी जिन्होंने बड़े तुमतराक से ये दावा किया था कि मैंने ही इसको उठाया है और मैं ही इसे गिराऊँगा, आज दुनिया जानती है कि कौन मिट गया और कौन बढ़ गया। आज मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी का कोई नामो निशान तक नहीं, बल्कि ख़ुद उनके नवासे सईद अहमद साहब ने जो एक मरतबा जलसा सालाना कादियान में भी आ चुके हैं, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की गुलामी अख्तियार करके साबित कर दिया कि सच्चे मसीह और महदी की मुखालफत और तकजीब करके उनके नाना और उनके हमनवा मौलवी नाकाम और नामुराद जलील व ख्वार होकर मर गए। लेकिन खुदा ताला के मसीह और महदी ने यह फरमाया था, यकीनन याद रखो और कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं, मेरी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं। दुश्मन जलील होंगे और हासिद शर्मिंदा, और खुदा अपने बंदे को हर मैदान में फतह देगा। नूर अनवारुल इस्लाम और फरमाया ये उन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूँ जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया। अय लोगों, तुम यकीनन समझ लो कि मेरे साथ वो हाथ है जो आखिर तक मुझसे वफा करेगा, और अगर इंसानों में से एक भी मेरे साथ ना हो तो खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे, और अगर तुम गवाही को छुपाओ तो करीब है कि पत्थर मेरे लिए गवाही दें। बस अपनी जानों पर जुल्म मत करो, खुदा से मत लड़ो, ये तुम्हारा ये काम नहीं कि मुझे तबाह कर दो। 40:3 और ये ज़िंदा हकीकत दुनिया के सामने है कि वाकई आपने एक अजीम फतह पाई बामुराद, और आप बामुराद गए, यहाँ तक कि आपकी वफात के वक्त आपकी जमात हज़ारों से निकल कर लाखों तक तरक्की करती चली गई और अब तक बराबर तरक्की करती चली जा रही है, और अब बफजलही ताला दुनिया के 202 ममालिक में उसकी मजबूत शाखें कायम हो चुकी हैं, और हर साल हज़ारों लोग इस मुकद्दस जमात में दाखिल हो रहे हैं। आपको लोगों ने कत्ल करना चाहा, जहर देकर मारना चाहा, अदालतों में भी आपको घसीटा, झूठे मुकदमात भी आप पर कायम किए गए, लेकिन हर दफ़ा आप कामयाब हुए और हर हमले से आप महफूज रहे, और रोज़ बरोज़ खुदा ताला की ताईद व नुसरत बढ़ती गई। आपने क्या ही खूब फरमाया है, गढ़े में तूने सब दुश्मन उतारे, हमारे कर दिए ऊंचे मनारे, मुकाबिल पर मेरे ये लोग हारे, कहाँ मरते थे पर तूने ही मारे, शरीरों पर पड़े उनके शरारे, न उनसे रुक सके मकसद हमारे, उन्हें मातम हमारे घर में शादी, फसुभान अल्लज़ी अफ़ज़ला अली। अमरे वाकया ये है कि जिन हासिदीन ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपकी मुकद्दस जमात को मिटाना चाहा, वो ख़ुद मिट गए, और जिन नादान हुकाम ने जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार देकर उसकी तबलीगी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी और जमात के ख़िलाफ़ हर किस्म का जुल्म सितम रवा रखा, वो सब नाकाम और नामुराद हलाक होकर अहमदियत की सदाकत पर मोहर लगा गए, और अल्लाह ताला ने मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया के ज़रिए उनके घरों में और दुनिया के किनारों तक मसीह मोहम्मदी का रूहानी और अमन बख्श पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया। और हमारा यकीन है कि दुश्मन जिस कदर मसीह मोहम्मदी की जान इसार जमात पर जुल्म व सितम ढाएगा, खुदा के फजल से ये जमात उसी कदर तेज़ी से तरक्की करती चली जाएगी और रोज़ बरोज़ उसके हक़ में अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला का ये अज़ली और अटल कानून है कि लागले बन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब होकर रहेंगे, कोई इस कानून को बदल नहीं सकता। और अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात आपके सामने बयान किए गए हैं, ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह ताला मौजूद है और अपने प्यारे बंदों की ताईद व नुसरत करके
हर ज़माने में अपनी हस्ती का सबूत देता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, है कोई काज़िब जहाँ में, लाओ लोगों कुछ नज़ीर, मेरी जैसी जिसकी ताईदें हुई हों बार बार। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।